वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। फाइनली 8 तारीख का जो व्लॉग है वो शुरू हो चुका है भाई, मस्त सा। तो अभी आप देख सकते हो मैं हूँ रूम में। तो सबसे पहले मैं आपको देता हूँ रूम टूर कि भाई कैसा है। भाई भाई मेरे मुंह पे पसीना देख सकते हो, मैं कितनी देर से भागा दौड़ी कर रहा था, उसमें से व्लॉग ही शुरू नहीं कर पाया था। इतनी देर से भागा दौड़ी कर रहा था ना भाई, पूरे काम वाम इधर उधर सबका लाना ले जाना, लगेज उनके कार्ड वार्ड सब, एसी सब कर रहा था। तो इतना पसीना है, अब जाके यहाँ पर फाइनली रूम में आया हूँ। और हम हमारा रूम नहीं है इधर, ये दादा दादी का रूम है। दादा दादी आ रहे हैं तो उनके लिए पहले थोड़ा एसी चला के रूम वूम थोड़ा सेट मैंने कर दिया है, ठीक है। तो वो मैंने करा है तो उसके लिए मैं कर रहा था। अब मैंने व्लॉग शुरू किया है, अभी मेरे को और काम पड़े। वो देखो पीछे वो दिख रहा है, वो सारे इतने सारे काम पड़े, तो लगता कोई आया है। तो चलो देखता हूँ। तो गाइस जो बेल बजी थी ना उस पर, तो जो रूम सर्विस वाले होते हैं ना, रूम सर्विस नहीं कर रहे थे, उसके आधार कार्ड पे साइन वाइन सब चीज़ होते ना, फोटो पे नहीं किया होते, प्रिंट आउट पे वो करवाना था उसका भी। और मेरे को लगभग 15-20 मिनट से घूम के सबसे साइन करवाया मैंने। भाई अब मैं आके फाइनली लेट हूं भाई, बहुत थक गया। कल रात को भी हम लोग 2:30 बजे सोए थे। मैंने व्लॉग एंड कब किया था कोई याद है? 12:52 बजे लोग थे हम लोग सोए थे रात को 2:30 बजे। भाई सुबह बातें बातें सब कर रहे थे ना, सुबह उठ के 7 बजे। भाई सिर्फ 5.5 घंटे की नींद है, कल भी सिर्फ 4 घंटे की नींद थी। भाई सब आज पूरा दिन वर्किंग है। चलो भाई अब रेडी हो जाते हैं, मेरे को रेडी होना है क्योंकि अब मैं वापस घर तो जा नहीं सकता, इधर इतने सारे काम है ना। तो अभी जो है मैंने जो मेरे कपड़े इधर ही मंगा लिए और पीछे बाथरूम है वहीं बनाएंगे। चलो सबसे पहले मैं देता हूँ आप लोगों को रूम को। देखो ऐसे रूम शुरू होता है, सबसे पहले ये बाथरूम, फिर अलमारी, ये मैं, और यहाँ पे एक डबल और एक सिंगल बेड, एक टीवी, एक जो है एसी आता है। बाकी तो यहाँ पे ये सब भी है होम सर्विस और इन सब के लिए। बाकी ये मस्त सी जो है लैम्प है, सो लैम्प जग जाती है बस। तो आई बताना आपको कैसा लगा, आप लोग बताना कि कैसा लगा, ये कहाँ पे किया है। ये आज मैं प्रोग्राम एंड होने, मैं कल वाले लोगों को बताऊँगा कि ये हम लोगों ने कहाँ पे किया है। ऐसे पूरा कबर्ड है बना हुआ है, अच्छा है। यानी जिनको 2-4 दिन का स्टे करना हो ना उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कपट। अरे अभी नाश्ता शुरू होने वाला है थोड़ी देर में, देखो 9 टाइम हो चुका है, 9:33, 10:45 नाश्ता जो है शुरू होगा। मैं आज फिलहाल मेरे दादा दादी के कमरे में हूँ, सब देखता हूँ पूरे दिन मैं दादा दादी के कमरे में रहूँगा कि नहीं, रात को सोऊंगा नहीं सोऊंगा वो देख लूँगा। गाइस नाश्ता लग चुका है, नाश्ता हो चुका है एक्चुअली में, सांभर और ये उधर चाय कॉफ़ी और इधर पानी, ये है हमारा पूरा खाना। गाइस नाश्ता और हो रहा है, सारे गेस्ट आ चुके हैं भाई, मस्त फीलिंग हो रही है। अब जब कंसारा जाएंगे ना तब बड़े बनाऊंगा या फिर उसके बीच में बना दूँगा। गाइस मैं आया हुआ था हाल फिलहाल घर पे कुछ काम से, तो देखो अब ऊपर से मेरा चेंज हो चुका है, मैं तैयार हो चुका हूँ। तो भाई मेरा फुल लुक फाइनल लुक कैसा है तो मैं दिखाऊंगा वो होटल जाके, वही घर पे काम से आया ना। अब चलो चलते हैं फटाफट, लेते कोई मौज नहीं है भी क्या खुशी है, है छुट्टियां आ रही है, है खुशी है डांस कर, इधर इधर शुरू करो डांस कर। हां जी का हाथ आ रही कौन सी ले लो आप, नानी नानी ना मां दादा।
दादा ध्यान से देखो चेक करो बराम चलो आ जाओ दादा एक बार भी छोटूड़ी में तो गाइस बस आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं बस में बैठ के लंच के लिए। तो चलो चलते हैं लंच के लिए। तो गाइस बस में चढ़ता मैं आपको देता हूँ सबसे पहले बस टूर। तो अंदर चलते हैं, बाहर थोड़ी सीट है, 20 सीटर ये बस है, इसमें बैठ के हम लंच के लिए जाएंगे। तो मस्त ऐसे खिड़की बिड़की और पीछे और कम से कम 5-7 बच्चे आ जाएंगे हम लोग। गाइस तो हम लोगों ने की है बस और देखो पीछे सारे हैं बस ये जा रहे हैं मस्त रेस्टोरेंट फिर खाना खाने। तो पीछे तो सब लोग बैठे हैं और मैं बैठा हूँ आगे। मैं व्लॉगिंग करता हूँ, अंकल से मैंने बताया अपने अंकल को कि हम मैं व्लॉगिंग करता हूँ। अंकल हमें हमारी डेस्टिनेशन तक लेके जाएंगे, इनका नाम है जयेश भाई। ऐसे जुदा हो हम तुम्हें चाहते शोर नहीं बाबा शोर ये रहे थे जूमे जैसे मनवाना जे मोर। तो गाइस फाइनल कंसारा पहुंच चुके हैं, मैं हूँ दीदी यहाँ पे बैठे हैं मस्त। अब फिर खाना खाना जब शुरू करेंगे तब। तो गाइस मस्त थाली आ चुकी है कंसारा की छाछ और ये सारी हमने 2-4 चीज़ें ली नहीं ये रही। चलो पहले मस्त खाना खाते हैं फिर मिलते हैं। गाइस खाना खा लिया था और यहाँ पे रेस्टोरेंट के बाहर ये देखो झूला है, पीछे वो देखो स्विंग है, ये स्वस्ती हट हट और देखो बाइक है और देखो बत्तख बत्तख। अबे तू ये बत्तख नहीं है ये नहीं हटो स्लाइड पूरे मतलब झूले हैं पूरी स्लाइड स्लाइड सब। तो यहाँ पे जो भी पेरेंट्स खाना खाने आते हैं उनके बच्चे तो खाते नहीं है ना, उनके लिए हमने सब कुछ ऐसा बनाया हुआ। हम लोग तो खाना खा के यहाँ पे आ गए। तो आप लोगों को लग रहा होगा मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा लो हो गई है, तो हाँ मेरी आवाज़ बैठ गई, मेरे को तो ये डर लग रहा है। आज तो पूरे दिन तो ठीक है लेकिन अब जो है कल परसों अभी रोज़ व्लॉगिंग, अगर मेरी आवाज़ बैठ गई तो मैं व्लॉग कैसे करूँगा, मेरी आवाज़ बहुत बैठ गई है। मैंने जो हूटिंग करा था मैं वीडियो बनाती थी, मैं हूटिंग कर भाई आवाज़ ही नहीं निकल रही सच में। सुबह इतना इतने जैसे काम करे जा रहा हूँ ना, इतना चिल्लाना है कभी भाई ये कर भाई वो कर, ये पूरी आवाज़ बैठ गई। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। चलो सीधा बस इसका जो वीडियो बनाया था ना मैंने, तो सीधा बस पर चलेंगे सब लोग वापस। भाई यहाँ से कुछ प्यारा सा व्यू आता है तो मैं आपको दिखा। हैं बस में तो हम सब बच्चों खाना हो गए तो हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। अब ये लोग जो बड़े हैं उनका भी होने वाला है, चलेंगे फटाफट से इधर बस में। ये देखो
झूला, मैं भी झूलता हूँ। जब से ये मुश्किल बढ़ जाए तुम देना साथ मेरा में पहुंच चुके थे। मेरी आवाज और बैठ गई है, मेरा फोन सिर्फ 9% का, मैंने देखा ही नहीं था भाई, तो थोड़ा चार्ज में लगाता हूँ। उसका ये बताना था कि बस रूम में पहुंच चुके हैं और लेटे हुए थे, मस्त इसी चलाया हुआ है, मेरी आवाज़ और ज़्यादा बैठे ही जा रही है, बैठे से डर लग रहा है। कोई नहीं यार, बहुत थक गया सच्ची, बहुत थक गया। और बस के वीडियो मैंने आपको दिखाए, मस्त सब गाना गाते हुए है ना भाई, बहुत मज़ा है सच्ची। तो अभी आपको 2-3 दिन का ऐसी हाउस में कोई मिलेगी, तो मेरी पहली वाली आवाज़ और ये वाली आवाज़ कुछ ज़्यादा ही अलग हो गई। तो भाई चार्ज करते हैं सबसे पहले फ़ोन, चलो कोई चार्जिंग जरूरत भाई 9% ही, चलो। हाँ गाइस, मेरा फ़ोन 9% था, अब चार्ज हुआ है, मैंने अब निकाला है और मैं सो के भी उठी हूँ भाई, बहुत पूरे टाइम से काम ही कर रहा हूँ, सोया मैं सिर्फ 15 मिनट और पूरे टाइम से काम ही कर रहा हूँ मैं। मेरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है, बस जो है सबके लिए चाय कॉफ़ी सबका नाश्ता था सब करवा रहा था। और अब टाइम देखो भाई 6 बज रहे हैं, 5:53 हो रहे हैं, तो बस भाई चलो अभी मस्त जो मेन सारी चीज़ है, मेन जो पूरा फंक्शन है वो तो रात को भाई 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलेगा, 6:30 मैं हम लोग तो 6 बजे चले जाएँगे, मेन फंक्शन 7 बजे से 11 बजे तक है। और भाई मेरी आवाज़ भी भाई फैट गई, मैं तो किसी मैं ब्लॉगिंग कैसे करूँगा, तो बस अभी थोड़ी देर में तैयार हूँगा मैं, यहाँ पर मैं एसी चला के मैं तो मेरा बैठा हूँ, 10 मिनट जो है 10-15 मिनट सो रहा हूँ, बाकी मैं सबकी भी चाय कॉफ़ी वो सब ऑर्डर करके आया था, आके मैं 10 मिनट सो गया, अब आने वाली होगी चाय कॉफ़ी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ मैं, और अब जो है बस थोड़ी सी देर और, कल लग रहा थोड़ी सी देर और 50th anniversary आ जाएगी, अब लग रहा बस थोड़ी सी और, अब जब मेन फंक्शन वो शुरू हो जाएगा 7 बजे, हम तो 6 बजे चले जाएंगे, 6:30, 6:30 क्योंकि 6 बज रहे हैं भाई अब सब है। तो चलो भाई मेन फंक्शन के लिए रेडी हो जाते हैं। गाइस भाई सारा काम स्टेज पे देखने गए थे हम लोग, स्टेज पे सब कुछ देख लिया है और अब है तैयार होने की टाइम, क्योंकि भाई 6:49 ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी 7 बजे हमारा फंक्शन है। आप लोग सोच रहे हो कि मैंने बोला था कि भाई 6 बजे ही जो है फंक्शन शुरू कर हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बहुत लेट हो गए क्योंकि स्टेज देखने चले गए थे। तो भाई अब तैयार होते हैं, मैं आप लोगों से मिलता हूँ तैयार होने के बाद। तो गाइस मैं हो चुका हूँ फाइनली रेडी, तो भाई ये कुर्ता है और कैसा लुक है पूरा, लेट्स सी। मेरा चेहरा तो पहचानते हो और बाकी मैं पूरा ऐसा लग रहा हूँ, बाकी डांस करते टाइम पूरे प्रोग्राम में आप लोग तो मुझे देखोगे। तो भाई अभी हाल फिलहाल तो ये ऊपर से दिखाता हूँ, पूरा जो है मैं ऐसा लग रहा हूँ, हाथ में वॉच परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के पूरा कुर्ता और पहन के रेडी हैं और चलेंगे उधर। और हाल फिलहाल टाइम हो रहा है ये देखो 7:03, तो चलो फटाफट से चलते हैं अपने वेन्यू पर और वेन्यू का पूरा सा मस्त सा जो लुक है वो आप लोगों को दिखा दें, लेट्स गो।